नियाज फतेहपुरी की तनकीद निगारी। तारुफ। नियाज फतेहपुरी एक रोमानवी नक्काद थे जिन्हें जमालियाती और तासुराती मकतब फ़िक्र से वाबस्ता करके भी देखा जाता है। नियाज एक फिक्शन निगार, सियासी मुबस्सिर, कदीम शायरी के फ़न के माहिर, एक लायक मुदीर, मजहबी आलिम और बिला मुबालगा अपने दौर के एक बड़े दानिश्वर थे। अदब, ज़िंदगी और मज़हब के ताल्लुक से उन्होंने जितने सवालात उठाए, मुख्तलिफ उमूर पर जिस ज़ब्त और इर्तिकाज़ और दिलजमई के साथ बहस की और बहर लिहाज बेबाकी और बिला खौफी का सबूत फराहम किया, उसकी अपनी एक तारीख है। नियाज का जहन कामूसी था और उनकी हैसियत बहरुल उलूम की थी। नियाज ने शायरी के फ़न पर जा बजा इजहार ख्याल किया है। फारसी और उर्दू शायरी की तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी। मगरिब की अदबी और तनकीदी तारीख का भी किसी कदर इल्म रखते थे। उनका जहन बेदार था, ख़बर रखने और ख़बर में रहने, कदामत पसंदों को छेड़ने, रवायात और रसूम को शक की नज़र से देखने और नए तसव्वुरात कायम करने की तरफ उनका जहन हमेशा सरगर्दा रहा। माहनामा निगार के वो मुदीर थे और अक्सर शुरू से आखिर तक वो उन्हीं की तहरीरों से भरा होता था। नियाज ने तनकीदी उसूल भी बनाए, नज़री तनकीद भी की और अमली तनकीद की बड़ी उम्दा मिसालें भी पेश की। कुशादा जहन रखते थे, जहन की यही कुशादगी उनकी तहरीरों का खासा है। उनकी नज़र में शायरी ज़ौकी और विजदानी चीज़ है और उसका बुनियादी मकसद लुत्फ़ो इंबिसात मुहैया करने के साथ खसूसियत रखता है। नियाज अक्ल के मुकाबले में जज्बो विजदान की कदर को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन अक्सर उनके तर्जियों में मारूजियत भी पाई जाती है। महज तहसीन ही को उन्होंने शेवा नहीं बनाया, अक्सर व बेशतर जिरह से भी काम लिया, जिसके बाइस बाज़ नक्काद उन्हें एक जारह नक्काद का नाम भी देते हैं। सबक का मकसद। नियाज फतेहपुरी की तनकीद का कैनवस वसी है। उन्होंने नज़री और अमली दोनों किस्म की तनकीद की है। तनकीद के अलावा भी उनकी बहुत सी हैसियतें हैं, लेकिन हमारा मकसद महज उनकी तनकीद के बारे में गौर खोज करना है। तलबा दर्जा ज़ैल मालूमात हासिल करके नियाज फतेहपुरी के तसव्वुर शेर और तसव्वुर नक्त को बआसानी समझ सकेंगे। नियाज फतेहपुरी एक रोमानवी नक्काद। नियाज फतेहपुरी और जज्बो एहसास की नुमाइंदगी, शायरी ज़ौकी और विजदानी चीज़। नियाज फतेहपुरी का तसव्वुर नक्त। नियाज फतेहपुरी की ज़हनी कश्मकश। नियाज फतेहपुरी एक रोमानवी नक्काद। नियाज फतेहपुरी एक रोमानवी नक्काद हैं। रोमानवी नक्काद खुश ज़ौक और ख़ुद पसंद होता है। वो रिवायत से इन्हराफ करता है और नई रवायतें खल्क भी करता है। ख्वाब साजी में उसे तमानियत मिलती है, क्लासिकियत से ज़्यादा नौ क्लासिकियत की ताक़ुल पसंदी और उसूलों की जकड़बंदी के खिलाफ एहतजाजन वो ज़हनो ज़मीर की आज़ादी को तरजीह देता है। इसीलिए रोमानवियों के फ़न में कुशादगी और ताजगी पाई जाती है। नई हयातों की तशकील और नए मौजूआत मफाहीम की तरफ उनका ख़ास रुझान होता है। दाखली ज़िंदगी उनके लिए ज़्यादा तमानियत बख्श होती है और जज्बो एहसास की कदर का मर्तबा उनके यहाँ दूसरी अकदार से बुलंद होता है। रोमानवी को बिलउमूम उसलूब की परस्तारी खुश आती है। नियाज फतेहपुरी की तनकीद में रोमानवी अनासिर के पहलू ब पहलू इल्म और फिक्र की आमेजिश भी पाई जाती है। उनका मुताला बैनल उलूमी था, मजहब, सियासत, शायरी, फ़नून लतीफ़ा और उर्दू अदब की तारीख और निज़ाम रवायत ने उनकी आगही को सर्वतमंद किया था। वो माहनामा निगार के मुदीर थे और तकरीबन 60-70 बरसों तक उससे वाबस्ता रहे। निगार एक मुतनाज़ रिसाला था,
जिसमें कई मुस्तकिल कॉलम हुआ करते थे। न्याज को मसाला पैदा करने, बहस व मनाजरा करने, सवाल कायम करने, बागियाना ख्यालात का इजहार करने का शौक बेपाया था। इस माने में वो माकूलियत पसंद थे और मंतिक की रहनुमाई उन्हें अजीज थी। यूं भी नई नस्ल कदामत को शको शुभा की नज़र से देख रही, उसने हयात व कायनात को एक मुख्तलिफ नज़र से देखा था, इसलिए उसके अंदर सवालात के अंबार थे जिसने उसे मुस्तरिब और बेचैन कर रखा था। न्याज भी उन्हीं में से एक थे जो मिजाजन बागी थे और बागी रुमानवी होता है, लेकिन वो हकीकत पसंद भी थे। साफ बोई और बेबाकी का दूसरा नाम न्याज फतेहपुरी था। नाम नहाद मुसलमात को मुस्तरद करना किसी भी दौर में आसान नहीं होता, और न्याज को मुसलमात को ठेस पहुंचाने, उनके तहीं नए नए सवालात और शुभात कायम करने में लुत्फ व लज्जत मिलती थी। ये लज्जत उनकी आगही पर मुंतज थी और दूसरों तक उसे मुंतकिल करने की लज्जत थी। न्याज फतेहपुरी के यही तेवर शायरी और फन के बारे में उनके ख्यालात से मुतरशा हैं। अब्दुल रहमान बिजनौरी, मजनू गोरखपुरी और न्याज फतेहपुरी के तसव्वुर फन में जमालियाती नक्कादों की गूंज साफ सुनाई देती है, जिनका ताल्लुक 19वीं सदी के अवाखिर अशरों से था। इन नक्कादों में ऑस्कर वाइल्ड और वाल्टर पीटर के नाम नुमाया थे, जिनका ख्याल था कि फ़न खुदकार होता है, तख्लीक का अपनी तख्लीकी ममलकत में खुद मुख्तार और आज़ाद होता है। फ़न इफादा बख्श नहीं होता, वो सिर्फ हसीन होता है, अगर वो मुफीद है तो हसीन नहीं। न्याज बड़े साहिब इल्म थे, मगरबी फिक्र फ़न की तरफ उनकी रगबत कम न थी। उन्होंने इस तासुर का एक जगह इन लफ्ज़ों में एतराफ़ भी किया है, मगरबी अदीबों में मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया विक्टर हेगो ने और विलियम हेजल्ट ने, और ऑस्कर वाइल्ड ने विक्टर हेगो की अमीक जज्बाती सदा, हेजल्ट के अंदाज़े बयान की चुस्ती और रंगीनी, और ऑस्कर वाइल्ड का मंतकी पैराडॉक्स मुझे बहुत पसंद था। अब्दुल रहमान बिजनौरी, मजनू गोरखपुरी और न्याज फतेहपुरी का भी यही ख्याल था कि फ़न महज इंसानी जज्बात व एहसासात के इजहार का नाम है, वो हमें तमानियत भी बख्शता है और मसरत भी। फ़न हमारी ज़िंदगी के ठोस मसाइल का हल है, न हमारी ज़िंदगी के मकासद की तकमील में वो कोई मदद कर सकता है। न्याज फतेहपुरी एक जगह लिखते हैं, शायरी हमारी हयात दुनियावी को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी नहीं, कम अज़ कम उसे एक नौ की विजदानी तस्कीन का ज़रिया तो यकीनन होना चाहिए, और अगर ये बात भी उसे हासिल न हो तो फिर ई दफ्तर बेमाना गरके मैना पूला। यहाँ भी न्याज का मुद्दा यही है कि शायरी ज़िंदगी के किसी मसले को हल करने में हमारी मदद नहीं कर सकती, उससे सिर्फ और सिर्फ विजदानी तस्कीन ही हासिल की जा सकती है। अगर शायरी में विजदानी तस्कीन या दूसरे लफ्ज़ों में जज्बाती तमानियत बहम पहुंचाने की सलाहियत भी नहीं है तो फिर इसका होना न होना बराबर है। बिजनौरी और न्याज ने जज्बे के अलावा विजदान को तख्लीकियत का एक अहम सरचश्मा करार दिया। न्याज फतेहपुरी और जज्बो एहसास की नुमाइंदगी, रुमानवी फनकार की एक बड़ी ताकत उसके जज्बात का सरमाया होता है, उसके लिए जज्बात में जो सच्चाई और बेमायलपन होता है वो ताकुल में नहीं होता। जज्बाती इंसान तबान साफ गो, दर्दमंद और दूसरों के तई हमेशा मुखलिस होता है। जहाँ ताकुल की कारफरमाई होती है वहाँ सुकून व सुकूत, हबस व घुटन और तहफ्फुज़ व तामुल की सूरतों का पैदा होना लाजमी है। न्याज फतेहपुरी के दौर में सज्जाद हैदर यलदरम, अख्तर शीरानी, अजमतुल्ला खान, मेहदी अफादी, सज्जाद अंसारी, काजी अब्दुल गफ्फार वगैरह के ख्यालात में जदीद व कदीम की जो आवेजिश, कदरों के एतबार से जो तसादुम, नई जहनी और जज्बाती पनागाहों की जो जस्तजू मिलती है वह उनके इस बागियाना शोर
اور شعور ذات کی مظہر ہے جس کا مقصود انفرادیت کی تلاش اور محسوسات کے نئے سانچوں کی دریافت ہے۔ لطافت زبان اور لطافت خیال کا امتزاج اظہار و اسلوب میں رانائی اور کشش آوری کا باعث ہوتا ہے اور اخلاق مجہول کے بجائے ایک متحرک قدر ہے۔ ان ادیبوں کا احساس جمال بہت توانا تھا، وہ شخصیت اور جذبات کے اظہار کو شعر و فن کا بنیادی تقاضا خیال کرتے تھے۔ شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے۔ نیاز فتح پوری کے نزدیک بھی شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے جو شاعر کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کرتی اور لطف و انبساط کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ماضی قریب میں شبلی نعمانی نے اپنا شعری تصور شاعری کے اسی عمل سے وابستہ کیا تھا، یہی تاثیریت پسندوں اور جمالیت پسندوں کا تصور ہے۔ حسن وہاں واقع ہوتا ہے جہاں توازن، تعدیل اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یہ سب مل کر اسے ایک مکمل پیکر کی شکل عطا کرتے ہیں۔ فن کے لیے یہ بھی قدریں اسے لذت آگی بنا دیتی ہیں۔ نیاز نے فارسی شعرا اور اردو کے کلاسیکی شعرا سے لے کر حسد موہانی اور فراق گورکھپوری تک جن امور کو مرکزی حیثیت دی ہے ان میں جذبہ و احساس کے اظہار، مضامین تازہ، ثنائے ودائے اور عروضی مباحث کے علاوہ شعری تلفیظ یعنی ڈکشن پر خصوصی تاکید کی ہے۔ نیاز یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کے پیرائے اظہار کی نوعیت کیا ہے، کس درجہ وہ ہمارے ذوق و وجدان کی تمانیت کا باعث ہے، یا یہ کہ شاعر اپنے جذبوں کے اظہار پر کس حد تک قادر ہے، ابلاغ کی سطح کیا ہے، شاعر اپنے منشا اور مقصود پر پورا اترا کہ نہیں۔ اصول نقد پر بحث کرتے ہوئے وہ شاعر کے حالات زندگی اور ان کی شخصی ضروریات کو مد نظر رکھنے پر زور دیتے ہیں اور شعرا کا درجہ متعین کرنے کے لیے ذوق سلیم سے کام لینے کی تاکید کرتے ہیں۔ نیاز نے خود بھی غالب اور بعض دوسرے شعرا کے فکر و فن کا مطالعہ اسی نہج پر کیا ہے، لیکن نیاز ذہنی طور پر کلاسیکی شعریات کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ معاصر عہد میں اقداری سطح پر جو غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں ان سے صرف نظر کرنا، ان جیسی روشن خیال اور مجتہدانہ فکر رکھنے والی شخصیت کے منافی تھا۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے شاعری کی تنقید کے لیے محض شاعری کے علم کو ناکافی سمجھا۔ شاعری میں وہ جذباتی قدر کو خاص اہمیت دیتے تھے اور شعری فن کا مسئلہ محض زبان و بیان اور زیادہ سے زیادہ مضامین شعر پر بحث و تمہیز تک محدود تھا۔ نیاز نے اصول نقد کو مرتب کرنے کے ضمن میں سوانح، شخصیت، ماحول وغیرہ پر تو تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن قدیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ متقدمین کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کتاب پر نقد کرتے تھے تو صرف اس کے موضوع اور مضامین پر نظر ڈالتے تھے اور معنی و لغت، صرف و نحو کی حیثیت سے اس پر نظر کرتے تھے، لیکن موجودہ فن نقد بہت بلند ہے، اس کے بعد وہ عقلی اصولوں کے مطابق نظریہ سازی پر زور دیتے ہوئے یہ کہے بغیر نہیں رہتے، یہ شاید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ادبیات کا وجدانی پہلو محو ہو کر اس کی بنیاد یکسر افادیت پر قائم نہ ہو، اور یہ نہ صرف دشوار ہے بلکہ ادبیات کی لذت اندوزی کو محو کرنے والا بھی ہے۔ نیاز کا موقف یہ ہے کہ ادب کے وجدانی پہلو اور اس سے ملنے والے لطف و انبساط سے صرف نظر کر کے جو وصول سازی کی جائے گی اسے ادب کے بنیادی تقاضے سے انحراف کی ایک کوشش سے معصوم کرنا درست ہوگا۔ نیاز نے سوانح، شخصیت اور ماحول کے بعد افادیت کی قدر کو بھی شامل کیا ہے۔ نیاز نے بہت محتاط طریقے سے افادیت پر ادب کے وجدانی اور انبساط آفری پہلو کو
फौकियत थी और फन अदब के बुनियादी तकाजों को मलहूज रखा। नियाज फतेहपुरी का तसव्वुर नक्त। नियाज एक आगाह शख्सियत के मालिक थे, महज शायरी के इल्म ही से उन्हें वाकफियत नहीं थी, मगरबी तनकीद की तारीख का भी इल्म रखते थे, अपने दौर के तनकीदी रुझान का भी उन्हें एहसास था। कदीम मशकी तनकीद के तसव्वुरात के फरोग व इतलाक की पूरी एक तारीख है और उसकी कदर व मंजिलत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा दौर के तकाजे और बिलखसूस इल्म व आगही के तकाजे कुछ और हैं। जदीद दौर के अदब को कदीम के पैमानों से जांच परख कर हम किसी सही और साइब नतीजे तक नहीं पहुंच सकते और ना ही कदीम अदब को महज कदीम पैमानों से जांच कर हम उन्हें एक नया मेयार तफवीज कर सकते हैं। अदब व फन पर तनकीद के असरात की नौइयत क्या है और आज की तनकीद कल की तनकीद से क्यों कर मुख्तलिफ है और एक अलहदा मेयार व मीज़ान की हामिल। नियाज के वक्तों में शख्सियत और सवाने और माहौल के साथ मरबूत करके शायरी की तनकीद की जाती थी। टेन और सेंट ब्यो से इस तसव्वुर नक्त के सिरे मिलाए जाते थे। इस तसव्वुर नक्त को बाद अज़ां तहलील नफ्सी से ज़्यादा तकवियत मिली। नक्काद के सवाने के बारे में उन्होंने जो राय कायम की है उसका ताल्लुक असलन तहलील नफ्सी से है। नियाज ने अदबियात और उसूल नक्त में तनकीद के अमल में उसूलों की पाबंदी को ज़रूरी करार दिया है। उन्हें इस बात का एहसास है कि ऐसे उसूल व ज़वाबित कायम करना दुश्वार महज है जो यकसा तौर पर तमाम कारियों और नाकिदों को मुतमईन कर सके और न ही मखसूस किस्म के उसूलों का इतलाक यकसा तौर पर तमाम अदबी कारनामों पर किया जा सकता है। नियाज इस नुक्ते से भी बखूबी आगाह है कि अदब कोई बाकायदा इल्म फराहम नहीं करता, जैसे तारीख, फलसफा, सियासत, नजूम या हयात से हम तवक्का करते हैं, बजाय इसके वो हमारे जमालियाती ज़ौक़ को आसूदा करता है और एहसास मुसर्रत से मुस्तफीद करता है। नियाज अदब व अखलाक के रिश्ते पर भी बहस करते हैं और उसे एक मुतनाज़ मसला से ताबीर करते हैं। ये सवाल अहद कदीम से चला रहा है कि अदब का मकसद क्या है, अदब और गैर अदब में माबहिल इम्तियाज क्या है, किन चीज़ों से मिलकर अदब तख्लीक पाता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई तहरीर एक आम तहरीर बन जाती है। फिर ये भी सवाल उठता रहा है कि अदब व फन को जांचने का पैमाना क्या हो। इस मकसद से ओहदा बरा होने के लिए महज अदबी और फनी कदरों ही को बुनियाद बनाना काफ़ी है या बाज दूसरी गैर अदबी अकदार से मदद लेना भी ज़रूरी है। बाज के नज़दीक अदब का काम महज लुत्फ व आसूदगी पहुँचाने तक महदूद है और बाज इसे अखलाक आमोजी के मनसब के साथ मरबूत करके देखते हैं। बाज के नज़दीक दोनों का इम्तिजाज साहिब है। नियाज अखलाकी अकदार को यकसर मुस्तरद नहीं करते बल्कि हुस्न और आर्ट को महज हुस्न और आर्ट की हैसियत से देखने के बजाय उसके अखलाकी और गैर अखलाकी होने को नज़रअंदाज न करने की ताकीद करते हैं। आगे चलकर वो अपने इस मौक़िफ़ को और वाज़े करने के बाद बिलाखिर जज्बाती कीमत पर अपनी तान तोड़ते हैं। दर हकीकत नियाज के तसव्वुर अदब की इमारत भी उसी बुनियादी ईंट पर खड़ी हुई है। नियाज उसूल नक्त के ज़ेल में मुख्तलिफ नकादों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के तसव्वुरात और मैलानात पर तफसील के साथ बहस करते हैं और ये बताते हैं कि अदब को जांचने का कोई एक असलुल उसूल कभी नहीं रहा। किसी अहद में कभी कोई नज़रिए अदब रायजुल वक्त की हैसियत से जहनों पर मुसल्लत रहा और कभी किसी अहद में उसे मुस्तरद किया गया और उसकी जगह किसी नए तरीक़ेकार या उसूल ने ले ली। इसलिए उसूल साजी के अमल में कदर एहतियात और तवज्जह की ज़रूरत है। नियाज तनकीद के अमल को तशरीह, हुक्म और तायीन मरातिब के साथ वाबस्ता करने के बाद थियोरिटिकल
और अमली यानी प्रैक्टिकल तनकीद के तरीक़ेकार का हवाला देते हैं। अरस्तु होरिस के तनकीदी उसूलों को इदगानी, मुतशद्दिद या डॉगमेटिक, फिर अनातोल फ्रांस के तासुराती तसव्वुर और उसके बाद मोल्टन की तीन किस्मों की वजाहत करते हैं, यानी इस्तिक़राई, तफक्कुरी और तहक्कुमाना। नियाज इन तमाम इंतकादी नज़रियों में इंतशारी कैफियत से दोचार होते हैं। बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं, हर चंद बिल्कुल दुरुस्त है कि हमको किस तस्नीफ पर नक्त करने के लिए पूरा पूरा मवाद जमा करके उसका तज़िया, उसकी दिलकशी और लज़्ज़त अंदोज़ी की सराहत करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देख लेना चाहिए कि वो तसनीफ वाकई कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसानी रूह लज्जत हासिल करती है और उसमें इक्तिसाब लज्जत के असबाब क्या हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद अपने लिए चंद उसूल मरतब कर लें, क्योंकि आजकल जब फन इंतकाद के मुतअद्दिद उसूल पाए जाते हैं और उनमें से हर एक ने अपने लिए अलहदा अलहदा कवायद मुकर्रर कर लिए हैं, एक आज़ाद नक्काद के लिए बेहतरीन तरीक़ा यही होगा कि वो अपने आप को किसी उसूल या किसी स्कूल का पैरो न समझे, वो खुद अपनी कुव्वत तमीज़ से हुस्न व कुबह का फ़ैसला करे। इस इक्तबास में जिन चीज़ों पर उन्होंने बिलखसूस ताकीद की हैं वो ये हैं, किसी तसनीफ़ के तज़िये के अमल में दिलकशी और लज्जत अंदोज़ी की सराहत ज़रूरी है। इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसानी रूह लज्जत हासिल कर सकती है। नियाज़ के तसव्वुर नक़्त को समझने के लिए हमें उनके इस इक्तबास को पेश नज़र रखना ज़रूर है। अगर एक शख्स का दिमाग ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, कारगाह हयात के कसीरुल अनवा मनाज़िर, जज्बात इंसानी के मुख्तलिफ कवायद, तकमील फ़न की मुतअद्दिद अशकाल और फितरत की बूकलमोनी मज़ाहिर से अलहदा अलहदा लुत्फ़ानंदोज़ होने की अहलियत नहीं रखता, तो उसको इंतकादी ज़िम्मेदारियाँ अपने सर न लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऐसे दिलो दिमाग की ज़रूरत है जो हमागीर हो और हर चीज़ की जुदागाना हैसियत और इम्तियाज़ को समझ सके, नकायस और महासिन का अहाता कर सके। लेकिन चूँकि ये सिफ़त शाज़ो नादिर ही किसी में पाई जाती है, इसलिए हकीकी माने में नक़ाद का वजूद भी बहुत कम नज़र आता है और आम तौर से इंतकादी मकाले तनकीस और जरह से ज़्यादा कोई और हैसियत अख्तियार नहीं कर सकते। नियाज़ का कहना है कि नक़ाद के फ़ैसले पर उसकी निजी ख्वाहिश को असरअंदाज नहीं होना चाहिए, महज मुकर्रा उसूल बहर वक्त कारामत साबित नहीं होते, उसे अपने कुव्वत फ़ैसला से भी काम लेना चाहिए जिसका ताल्लुक सिर्फ ज़ौक़ो वजदान से है। नियाज़ का इसरार इस बात पर है कि नक़ाद को अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए, जो ज़ाहिर है बड़ा दुश्वार गुजार काम है। इसलिए उनका ख्याल है कि अच्छा नक़ाद वही हो सकता है जो थोड़ा फ़ौक़ुल इंसान हो। ज़ाहिर है यहाँ बैनुस्सुतूर में उनकी ताकीद मारूज़ियत पर है और मारूज़ियत उनके उसलूब इजहार के मुताले में तो नज़र आती है, वरना एक बार जब वो तासुरात की रौ में बह निकलते हैं तो जहाँ कई बेशबहा गौहर हमारे हाथ लगते हैं वहीं खजफ रेज़ों की भी कोई कमी नहीं हो। नियाज़ फ़तेहपुरी की ज़हनी कशमकश। नियाज़ फ़तेहपुरी ने अदबियात और उसूल नक़्त ये वाज़ह किया है कि शायर के फ़िक्र फ़न पर उसके सवाने शख्सियत और माहौल का गहरा असर पड़ता है। उन्होंने अदब को रूह इंसानी का इजहार, इंसानी तजर्बात व एहसासात का रिकॉर्डर बताते हुए ये भी कहा है कि अदब की तख्लीक ज़िंदगी से होती है, उसी तरह ज़िंदगी की तख्लीक भी बहुत कुछ अदब पर मुनहसर है। यही नहीं, बातों बातों में इस तरह की गरा कदर बात भी कह गए हैं जिन अशिया से हम आशना नहीं हैं, अदब उनसे भी आशना कराता है, और जिनसे हम फ़िलहाल आगाह हैं
उनसे हमारे एहसास को और ज़्यादा मुतालिक कर देता है। न्याज ने अदब से मिलने वाले जमालियाती लुत्फ और नक्काशी और मौसीकी वगैरह से मिलने वाले जमालियाती लुत्फ के फ़र्क की भी तौजीह इस तरह की है। फ़नून लतीफ़ा में नक्काशी और मौसीकी से भी जमालियाती लुत्फ उठाया जाता है, लेकिन इसका ताल्लुक हवास ज़ाहरी से है, यानि हवास की बैरूनी तहरीक ख़त्म हो जाती है तो लुत्फ ही ज़ायल हो जाता है। बरखलाफ इसके अदबियात का जमालियाती लुत्फ किसी बैरूनी तहरीक से वाबस्ता नहीं है और वो अपने असरात बग़ैर किसी मादी वसात के भी इंसान के जहन व दिमाग पर छोड़ जाता है। हेगल का भी यही कहना था कि इमारत साजी, मुजस्मा साजी, मुसव्वरी या मौसीकी में मुख्तलिफ आज़ार व आलात की ज़रूरत पड़ती है। शायरी एक ऐसा आर्ट है जिसमें किसी खारजी शय की मदद दरकार नहीं होती, इसलिए शायरी उन तमाम फ़नून से आला फ़न है जिस फ़न में जितने कम से कम इमदादी आलात व औज़ार मतलूब होते हैं वो उतना ही दूसरे से आला और अफजल होता है। न्याज का भी दरअसल यही कहना है कि अदब का जमालियाती लुत्फ किसी बैरूनी तहरीक से वाबस्ता नहीं है, वो अपने असरात बग़ैर किसी मादी वसासत के भी इंसान के जहन व दिमाग पर छोड़ जाता है। न्याज शायरी को ज़िंदगी का इजहार कहते हैं और अखलाक की वाबस्तगी से भी इनकार करते हैं। ज़िंदगी की कदरों के पहलू ब पहलू फ़न की कदरों को मोहतरम समझते हैं। शायर के सवाने शख्सियत और माहौल के असरात की कदर भी उनके नज़दीक मुसल्लम है। जदीद नज़रियात भी उन्हें उतने ही अजीज़ हैं जितने कदीम तसव्वुरात फ़न। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे वह आखिर दम तक छुटकारा नहीं पा सके। नज़री सतह पर उन्होंने जो दावे किए या जिन ख्यालात का इजहार किया है उससे उनकी बाखबरी का पता चलता है। जब वो फारसी या उर्दू शायरी पर अमली बहस करते हैं तो शायरी के खारजी हुस्न, लफ्जी सेहत, मुहावरे की दुरुस्ती, मजमून की ताजगी, तशबीहात व इस्तेहारात की लताफत व नुदरत, तराकीब की दिलकशी, काफिये के हुस्न और एहतमाम, असवात व आहंग की दिलावेजी, महाकात और मामला बंदी, इंतखाब और बंदिशे अल्फाज, माना आफरीनी और नज़ाकत तखय्युल, जिद्दत अदा और बदाअत ताबीर वगैरह पर जाकर उनकी नज़र ठहर जाती है। तजर्बात एहसासात और रूह जिंदगी के इजहार का तसव्वुर बहुत पीछे रह जाता है। इस तरह की कश्मकश के बायस न्याज के बारे में कोई एक राय कायम करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ वो जज्बात व महसूसात के इजहार को शायरी करार देते हैं और ज़ौक व विजदान की अहमियत अव्वल दर्जा अख्तियार कर लेती है, तो दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि किसी शायर के कलाम का महाकमा करते वक्त वो ये नहीं देखते कि उसके जज्बात कैसे हैं, बल्कि उनके मतमहे नज़र महज उसका उसलूब होता है। देखने की चीज़ सिर्फ ये है कि शायर जो कुछ कहना चाहता है वो वाकई अल्फाज से अदा होता है या नहीं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला दर्जेल मिसाल के ज़रिए न्याज के जज्बाती और अकली रवैयों के बायस पैदा होने वाली परेशानी का जिक्र करते हैं। मोमिन के बारे में उनका ये तासुराती कौल बेहद मशहूर है कि मुझे कुल्यात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि इस किस्म का कौल तासुर की ज़बरदस्ती के सवा कुछ नहीं, मगर न्याज इसके लिए एक दलील भी रखते हैं। किसी ख्याल पर नक़्त करने के लिए सबसे पहले उसूल फितरत पर नज़र डालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो ख्याल किस हद तक दरमियानी मनाजिल तय करता हुआ फितरत के साथ साथ चला है, और अगर कोई शख्स इस तरह फैसला करने पर कादिर हो तो फिर दूसरा उसूल ये है कि उसको सिर्फ अपनी राय पर एतमाद करना चाहिए। जो कुछ मैं कहता हूँ वही सही है, और इसी उसूल के मुताबिक मैं मोमिन के कलाम पर एक सरसरी नज़र डालूँगा। ये अकली और जज्बाती रवैयों का इम्तिजाज है और कदरे परेशान कुन भी है।
اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں تاریخی شعور اور ماحول کے اثرات کا اعتراف بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بہت سے موقعوں پر شاعر کی شخصیت اور نفسیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زیادہ توجہ زبان و بیان کے مسئلوں کی طرف رہتی ہے۔ سید عبداللہ نے نیاز کے اس ذہنی کشمکش کے میلان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ نیاز کے عمل نقد میں زبان و بیان کی گتھیاں سلجھانا ہی ان کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا تھا، قدیم مشرقی شعریات سے جس کا تعلق ہے۔